हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब चैनल। बताइए क्या वो हाँ सर, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हाँ, 130 क्वांटिटी मेरे पास है, हाँ 41 एवरेज पे। ओके। ये लॉन्ग टर्म में यूज में व्यू में कैसे रहेगा सर? सर्वेंद्र, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 41 रुपए में उन्होंने लिया है, 45 का भाव है इस समय। ये स्टॉक क्या करना चाहिए? नीरज जी देखिए, ये मैं स्टॉक्स को कैटेगराइज करता हूं, तो ये जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया बंधन बैंक, ये बंधन बैंक वाली कैटेगरी वाला स्टॉक था जहां पे अंडर परफॉर्मेंस थी और नीचे जाने के दायरे कहीं लग रहा था कि अब और ज्यादा नीचे जा नहीं सकता, तो एटलीस्ट एक अच्छा उछाल, एक अच्छा बाउंस आएगा। तो बंधन बैंक ने वो चीज कर दी, उसी के ग्रुप का स्टॉक ये भी है। मुझे लगता है आगे पीछे तकरीबन वही सेटअप ये भी करेगा, एक अच्छा बाउंस, इफ नॉट नई तेजी, एक अच्छा बाउंस डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग ड्यू है। उस बाउंस में इनको तकरीबन 58-60 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली रिव्यू कर लें। अभी तो मेरे हिसाब से होल्ड रखें यहां से, और भाव के आसपास अपना एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, होल्ड रखें। आई थिंक एक अच्छा बाउंस इनको तकरीबन 58 तक लेके जाएगा। चलिए इसको होल्ड रखिए, 58 तक ये जा सकता है। 1000 शेयर्स हैं और 64.5 रुपए इनकी खरीद का भाव है। निलेश, आपकी क्या राय होगी आईडीएफसी फर्स्ट पे, चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? बैंक सिस्टी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो यहाँ पे एक लंबे समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर लगातार हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिल रहा है। एक मेजर हर्डल है वो 65-670 के रेंज में है, वो लेवल काफी समय से पार नहीं कर पा रहा है काउंटर। वहां पे एक ट्रिपल टॉप सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया है जैसा कि कह भी रहे थे, तो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है वो 35 रुपीज के आसपास का आ रहा है। अगर ट्रेडिंग की लिहाज से देखें तो 40 रुपीज के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है, वहां पे भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो। हालांकि लंबे नजरिए से पोजीशन में थोड़ा सा होल्ड करके चल सकते हैं। और यहाँ पे एक बेहतर विकल्प जो हमने ऑलरेडी शो की शुरुआत में सुझाया था, वो का एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इनफैक्ट आप अगर ऑल टाइम हाई लेवल से देखें तो अभी भी काफी करेक्टेड लेवल पे मिल रहा है और एक क्वालिटी बैंक है, तो वहां पे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लेवल्स की बात करें तो 40 और 35 ये दो मेजर सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्तर पर 55 का लेवल अगर ये पार 70 तक का मूव देखने को मिल सकता है, तो ऊपरी स्तरों पर 55 का लेवल भी ध्यान में रखना चाहिए। वो लेवल के पार होने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा और ऊपरी स्तरों पर 70 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगी। विकास जी, आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं आप? एक्चुअली मैं आप शायद गलती हो गई है।